हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर रिव्यू नोवल। यह है पार्ट सेकंड है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वेयरवॉल्फ गुस्से में जल्दी करने के लिए दहाड़ता है। तानसेन की मां कांप जाती है। वेयरवॉल्फ अपने बड़े बड़े हाथ आगे बढ़ाता है और तानसेन की मां मेरे बच्चे कहते हुए अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन इस समय अपने बच्चे के लिए लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि तानसेन को अपने कमरे में एकमात्र फटी हुई रजाई से ढक दिया होता है। तानसेन ने भी अपने दिल में दर्द फील किया होता है। यह इस दुनिया में तानसेन का पहला एहसास था। तानसेन की मां ने देखा तानसेन का छोटा सा चेहरा कुछ मुड़ा हुआ होता है, जो बच्चे ने अचानक रोना बंद कर दिया होता है और अचानक आँखें चमक जाती हैं। आँखों में हुए अचानक चेंजेस को देखते हुए तानसेन की माँ हैरान होती है। साथ ही एक पल के लिए वह रुक सी गई होती है। वेयरवुल्फ धक्का देते हुए तानसेन की छोटी सी बॉडी को पकड़ते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर भयानक ठंडी हवा चल रही होती है। वेयरवुल्फ के इरादे अभी तानसेन को पता नहीं होते हैं। भले ही तानसेन को सांस लेने में कठिनाई हो रही होती है, लेकिन जब कुछ देर तक बच जाता है तो खुद के मन को शांत करने की कोशिश करता है। साथ ही मन में प्रे कर रहा होता है, माँ मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। और साथ ही अब तक तानसेन को समझ आ जाता है, वह तानसेन को खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं ले जा रहा है। इस दुनिया को फेरी कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जैसा कि तानसेन को लगा होता है, इस दुनिया में इंसान गुलाम है और इन्हें गुलामी की चीज ही समझा जाता है। जहाँ तक कि इंसानों को स्लेव के नीचे भी माना जाता है। एक महीने के बाद भी तानसेन ने अपने पिता को नहीं देखा होता है। तानसेन ने रिवर्थ लेने से पहले आने वाली समस्याओं को सोचा होता है, लेकिन यह इतनी भयानक होगी यह कभी नहीं सोचा था। वेयरवुल्फ रुकने लगता है। अब तक तानसेन की रजाई भी निकल जाती है, लेकिन ठंडी हवा गायब थी, बल्कि एक गर्म एहसास होता है, साथ ही में कुछ बदबू भी। लेकिन यह पहली बार था जब तानसेन ने कुछ और देखा होता है। चारों दिशाओं को महसूस किया होता है। आवाज आती है, यह फिर एक छोटे बंदर के जैसा बच्चा। तभी तानसेन के सामने वह चेहरा आता है। तानसेन सोचता है, क्या यह सुअर है? एक बड़ा सुअर के सिर वाला इंसान। तानसेन को इस पर बार बार रोना आ रहा होता है। साथ ही साथ मन में सोच रहा होगा, अरे जो तो सुंगरा निकलो। इसी के साथ वह सुअर तानसेन को अंदर ले जाता है। तानसेन ने महसूस किया, यहाँ पर वह अकेला इंसान का बच्चा नहीं है। इसी के साथ एक नर्म घास के बिस्तर में डाल दिया जाता है। इसे घोंसला भी कहा जा सकता है। वह रोने लगता है। इसी के साथ एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है और तानसेन को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। तानसेन के गले में यह किसी नदी की तरह उतरने लगता है, जिससे तानसेन का दम भी घुटने लगता है। इस समय तानसेन को सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। इसी के साथ तानसेन का पहली बार पेट भरा हुआ होता है। लेकिन तानसेन को और चाहिए था, क्योंकि उससे तानसेन की सोल में कुछ सुधार होगा, जिससे वह आसपास की और भी चीजों को समझ सकेगा। तानसेन के साथ तीन या चार बच्चे भी होते हैं। वह बिल्कुल तानसेन की तरह ही होते हैं। तानसेन को बस खुशी इस बात की थी उसे यहाँ पर ठंड नहीं लग रही है। साथ ही यह भी, वह अभी तानसेन को खाने वाले नहीं होते हैं और इस तरह से उसे दिन में तीन बार फीड कराया जाएगा। और तानसेन ने भी जल्दी ही पावरफुल बनने के लिए अधिक से अधिक दूध पिया, जिसके कारण तानसेन दूसरे बच्चों से कुछ ज्यादा मोटा हो जाता है और पूरे 100 दिनों बाद वह खड़ा हो पाता है। अब तक तानसेन कुछ भाषा भी सीख जाता है। यह फेरी कॉन्टिनेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा है और जहाँ अभी तानसेन है वह जगह नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ वुल्फ क्लैन है और यह जगह विंड वुल्फ टाउन है, जहाँ पर मॉन्स्टर और सोल ट्राइब दोनों की ही पावरफुल प्रेजेंस है। इस कॉन्टिनेंट में दो ही मेन रेस हैं। पहली फेरी जो रूल करती है, इससे इसका नाम फेरी कॉन्टिनेंट पड़ा, और दूसरी मॉन्स्टर, मतलब इंसानों की गिनती होती ही नहीं है। साथ ही यहाँ पर इंसान सबसे लॉयल स्लैब है। सभी बच्चों को एक साथ पाला जाता है, फिर स्लैब की शिक्षा दी जाती है। मदर पिग से सुना होता है कि इंसान को केवल फर्टिलिटी के लिए ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दो रेस की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है और इसी कारण से इंसान यहाँ पर बचे हुए हैं। और इंसान कम क्यों हैं? क्योंकि वह बहुत अधिक कमजोर हैं। साथ ही मॉन्स्टर और सोल की नज़र से वह मेहनत भी कम करते हैं,
लेकिन उनसे चालाक होते हैं, साथ ही में वह मॉन्स्टर के लिए अच्छा खाना भी होते हैं। स्लेव फूड। अब तांगसन और तांगसन के दुख दोनों को ही हम समझ सकते हैं, लेकिन तांगसन को एक और चिंता वाली बात होती है। पता नहीं साउबू की बर्थ कहाँ हुई होगी और क्या वह भी तांगसन की तरह परेशान होगी। इसी तरह से लगभग पूरे 6 महीने बाद तांगसन को लगा होता है वह फिजिकली स्ट्रेंथ में सामान्य बच्चों की तरह है, जिसके कारण यहाँ पर दूसरे बच्चों से कुछ तांगसन मोटा दिखाई देता है। अब खाना में दूध नहीं मिलता है बल्कि स्क्वीसी जैसी चीज फेंक कर उनके बर्तन में खाने को दी जाती है और हाथों से खाना होता है और खाने को इतना मिलता है जितना कि तुम छीन सकते हो, लेकिन अधिकांश बच्चे यह भी नहीं कर पाते हैं तो मदर पिग अपने हाथों से उन्हें चम्मच से खिलाती हैं, जिसके कारण तांगसन मदर पिग के बीच में पॉपुलर होता जा रहा होता है। तांगसन पहले ही अपने छोटे हाथों से खाना को छीनते हुए कुछ ज्यादा ही खा जाता है और इसके रिवार्ड में कभी कभी दूध भी मिल जाता है। तांगसन को अभी तक यह भी पता नहीं होता वह खा क्या रहा है, और तभी एक दोस्त की बात याद आ जाती है जिससे वह हंसना चाह रहा होता है। उसने कहा था घास के घोंसले में तो गोल्डन फीनिक्स भी था, और तांगसन सोचता है मैं इस घास के घोंसले में पला हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त ऐसा देखेंगे तो वह क्या कहेंगे। तांगसन ने पिछले जन्म में 6 साल का होने तक जुआन टियान गोंग की फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया होता है, एक प्रकार से बेस बनाया होता है, लेकिन इस जन्म में समझ अभी कुछ कम है क्योंकि अभी तक तांगसन काफी कमजोर होता है। वास्तव में 6 महीने की बॉडी से कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरिडियन अभी भी डेवलप नहीं हुए होते हैं। भले ही तांगसन जुआन टियान गोंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन वह उसकी मेथड से गुजर सकता है जिससे वह हेवन और अर्थ की एनर्जी को फील कर सके, जो उसकी बॉडी को पावरफुल बना सकती है, जो कि लगभग तांगसन ने पहले ही दिन से शुरू कर दिया था। और तांगसन ने पहली बार इस दुनिया को अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से देखा तो हैरान हुआ। तांगसन ने पाया जहाँ एक इंसान हम्बल डॉग की तरह है, वहीं यहाँ का ऑरा रिच और स्कैरी है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार है। जैसे जैसे दिन निकलते गए तांगसन की बॉडी कुछ मजबूत होती जाती है। इसी के साथ तांगसन के साथ बाकी बच्चे कमजोरी के कारण करीब 1/4 अपने आप ही इस दुनिया को छोड़ते हुए चले गए। कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं, बस कुछ खाना होता है, ना ही कुछ सिखाने वाला। तांगसन अब तक कुछ बोलना सीख पाया होता है जो कि खुद से ही सीखा होता है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर फार्म में जानवरों की तरह इंसानों को रखा जाता है। तांगसन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा होता है, साथ ही स्ट्रोंग भी, जिससे खाने की मांग भी बढ़ने लगती है, पर फिर भी खुद खाते हुए दूसरे बच्चों के लिए भी छोड़ देता है और रात की शांति में ऑरा को एब्जॉर्ब करता है। 1 साल से सुअर से भी नीचे के लेवल की जिंदगी के कारण तांगसन के अंदर तक दुख होता है, लेकिन शाओबू के बारे में सोचते हुए कांप जाता है। मरे हुए बच्चे फिर से जन्म ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं, और यहाँ पर इंसानों को जानवरों से भी नीचे माना जाता है। कमरे का दरवाजा अचानक धक्का देते हुए खुलता है। एक और बड़ा वेयरवुल्फ बाहर से अंदर आ जाता है और कहता है बाहर आओ, उन सभी को बाहर निकालो, और बच्चों को लात मारता रहता है। वह सभी बचे हुए बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं। इस समय पहली बार तांगसन ने पूरे 3 साल बाद साफ आसमान देखा होता है। पत्थर से बनी हुई रोड होती है, दोनों ही ओर भयानक जंगल होता है। कुछ पेड़ तो 100 मीटर से भी ऊंचे दिखाई दे रहे होते हैं, तो कभी कोई जाइंट बीस्ट किसी पक्षी की तरह आसमान में उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहा होता है। हवा और ऑरा में लाइफ फोर्स भरी पड़ी हुई होती है, जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही खास है। 3 साल में ही तांगसन ने जुआन टियान गोंग की फर्स्ट स्टेप की कल्टीवेशन को कम्प्लीट कर लिया है, जो कि पिछली लाइफ में 6 साल की एज में हुई होती है। प्रोफाउंड हेवन आर्ट के फर्स्ट लेवल को ब्रेक करने के लिए अभी कुछ और स्पेशल मेथड की जरूरत होगी पिछली जिंदगी की अपेक्षा। हालांकि तांगसन ने यहाँ पर इसका यूज अभी नहीं किया है। कुछ ही समय में सभी को किसी गांव में ले जाया गया जहाँ पर वही लकड़ी के घर और टूटे फूटे मेल इंसान दिखाई देते हैं। फीमेल मुश्किल से दिख रही होती हैं। जो होती हैं वह वेयरवुल्फ के सामने कमर को झुकाते हुए चल रही होती हैं। वेयरवुल्फ चिल्लाया होता है ये छोटे सौवक तुम्हें सौंप दिए जाएंगे, इन्हें ले लो। तांगसन हैरान था, वह इंसानों की दुनिया में वापस आ गया। यहाँ पर बच्चों और महिलाओं को खाना कम
या ना के बराबर ही दिया जाता है। खाना स्ट्रॉन्ग मेल को ज्यादा दिया जाता है। सभी मेल अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे भी इस गांव में घूम सकते हैं। अब तक तांगसन चुपचाप कल्टीवेशन करता रहता है। उसी के साथ अब तक तांगसन 6 साल का हो जाता है। वहीं मेडिसिन की कमी और भूखे के कारण 1/3 बच्चे इस दुनिया को छोड़ देते हैं। यहाँ रात में भयानक ठंड होती है, लेकिन ठंडी हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार होती है। इसी बीच तांगसन रात रात में प्रैक्टिस करता रहता है। अब तांगसन का मिस्टीरियस जेड हैंड भी दिखाई देने लगा था। इसी के साथ केवल 6 साल की उम्र में जुआन टियांग गोंग की 3rd स्टेप की प्रैक्टिस कर चुका होता है। यह कुछ ऐसा था जो तांगसन ने अपने पिछले जन्म में भी नहीं सोचा था। हालांकि हेवनली स्किल की अभी भी कमी होती है। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हुए तांगसन ने गहरे जंगल में जाने का फैसला किया होता है, क्योंकि गांव की अपेक्षा जंगल में औरा अधिक होता है। अभी तांगसन को नहीं पता होता है वह इस दुनिया में मार्शल स्प्रिट को जगा भी सकता है या नहीं, लेकिन जब तक वह प्रोफाउंड स्काई टेक्निक के साथ पावरफुल हो सकता है, क्योंकि आम इंसान को इस औरा को एब्जॉर्ब करने का नॉलेज ही नहीं है, जिसके कारण वह केवल गुलाम बन सकता है। जंगल काफी ज्यादा घना होने के कारण ऊपर का लाइट नीचे किसी मूनलाइट की तरह ही दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर पेड़ पौधों से फीके ब्लू कलर की फ्लैश निकल रही होती है, जो काफी अजीब होती है। तांगसन लगातार पर्पल प्यूपल टेक्निक, मतलब पर्पल डीमोन आई की प्रैक्टिस धीरे धीरे करता रहता था, जिससे वह अभी जंगल में देख सकता है। तभी तांगसन की कुछ दूर सामने एक फिगर नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। जब तांगसन ने ध्यान से देखा तो वह मुखौटा पहना हुआ इंसान होता है, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अभी तक तांगसन ने कुछ भी नहीं देखा, जिससे तांगसन हैरान हो जाता है। वह इंसान अभी घायल होता है। तांगसन बाहर जाने वाला ही था, तभी कुछ हलचल के साथ एक वुल्फ डीमोन दिखाई देता है। यहाँ पर पावर ही सब कुछ होती है। साधारण इंसान की कोई रैंक नहीं होती है, लेकिन वुल्फ डीमोन जन्म के साथ 1st लेवल, एडल्ट होने पर कम से कम 2nd लेवल और सबसे पावरफुल 3rd लेवल होता है। जबकि टॉप पर कौन होगा इसका तांगसन को अभी पता नहीं होता है। सबसे पास वाली सिटी फेंगलोंग टाउन में भी लॉर्ड वुल्फ बियर 5 टियर का होना चाहिए। और तांगसन की जुआन टियांग गोंग की कल्टीवेशन के अनुसार अभी तांगसन की एनर्जी लेवल डीमोन वुल्फ के 3rd लेवल के बराबर होगा। Tier 3 वुल्फ डीमोन उस इंसान के पीछे लगा हुआ होता है। तांगसन ने साफ साफ देखा होता है वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए अचानक कुछ मुड़ते हुए उसके हाथ और पंजे बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रकार से ह्यूमन वेयर वुल्फ ही समझ लो। साथ ही बॉडी पर एक फीका येलो होलो दिखाई दे रहा होता है। रात के कारण उसकी बॉडी फ्लैश हो रही होती है। साथ ही स्किन के नीचे डार्क ब्राउन पैटर्न दिखाई दे रहे होते हैं। इसी के साथ उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। वुल्फ डीमोन के पंजे उससे टकराते हैं, जिससे काफी तेज साउंड सुनाई देता है। वह व्यक्ति घायल हो जाता है। तभी दूर से सियान लाइट फ्लाई करते हुए दिखाई देती है, सीधे ही गिरते हुए उस व्यक्ति के पास चली जाती है विंड ब्लेड, जिससे उसकी येलो लाइट और भी तेज हो जाती है। साथ ही स्पीड भी बढ़ जाती है। Tier 3 का डीमोन वुल्फ दहाड़ता है। उसके मुंह से भी तेज हवा निकलती हुई दिखाई देती है, जो उस इंसान की ओर जाती है। इन दोनों के ही अटैक फिर से टकराए होते हैं। वुल्फ ने अपने पंजों का यूज किया, लेकिन कुछ स्लो लग रहा होता है। उस व्यक्ति ने वुल्फ को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। इसी के साथ वुल्फ जमीन पर गिर जाता है। इसी समय अचानक एक और वुल्फ आ जाता है। इसी के साथ तांगसन भी पीछे से निकलता है। अपने छोटे से जेड हैंड हथेली से वुल्फ डीमोन की आई पर स्लैप करता है, और जैसे ही वह तांगसन की ओर तांगसन का हाथ कुछ पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत ही तांगसन अपने दूसरे हाथ से जेड हैंड का यूज करते हुए आंख फोड़ देता है, जो लगभग आंखों से होते हुए दिमाग को भी भेद देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। फिर तांगसन उसे लात मारता है तो वह पलट जाता है। दरअसल तांगसन का यह फाइट का तरीका अपनी पिछली जिंदगी की हुई फाइटों से आया होता है। तांगसन के पास इतनी पावर नहीं है कि वह 3 टियर के वुल्फ को मार सके, लेकिन तांगसन ने सबसे नाजुक जगह चुनी होती है, जिससे वह जीत सका। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।